उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी त्योहारों को लेकर के डेडलाइन जारी कर दी है, जिसमें योगी सरकार के आदेश पर सभी त्योहार शांति व्यवस्था के रूप में मनाए जाएंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का पुलिस प्रशासन अपनी अपनी तैयारियों में आगामी त्योहारों को लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुट गया है, जिसके चलते आगामी त्योहारों को लेकर के मुरादाबाद का पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, जिसमें आज मुंडा पांडे थाना क्षेत्र अंतर्गत लगने वाली करणपुर चौकी परिसर में सभी चौकी क्षेत्र के धर्म गुरुओं के साथ चौकी उप निरीक्षक राशिद अख्तर ने आगामी त्योहारों को लेकर के सभी धर्म गुरुओं के साथ सरकार की गाइडलाइन नियम अनुसार शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए त्यौहार को मनाने की वार्ता की, जिसमें चौकी उप निरीक्षक ने आए सभी धर्म गुरुओं के लोगों से त्यौहार को लेकर के कहा कि सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई है सभी लोग उसी का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं और शांति व्यवस्था अवश्य बनाए रखें। चौकी उप निरीक्षक राशिद अख्तर ने आए सभी धर्म गुरुओं को यह भी हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति अगर आगामी त्योहारों को लेकर अफवाहें फैलाता या कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता पाया जाए तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी लोग सरकार के गाइडलाइन नियम व कानून व्यवस्था का उल्लंघन न करें और शांति व्यवस्था के साथ अपने अपने त्यौहार मनाएं। जी, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ हुसैन उर्फ निक्की, ग्राम छपटुनंगले से प्रधान पति। आज जो मीटिंग चौकी परिसर में की गई थी, क्या मीटिंग थी और कितने धर्मगुरु और कितने लोग इस मीटिंग में उपस्थित रहे थे? जी, इसके अंदर हमारी चौकी जो लगती है, नंगला चौकी लगती है, इसके अंदर 14 प्रधान लगते हैं, 3 प्रधान हिंदू हैं और 11 प्रधान मुस्लिम हैं। इसमें चौकी इंचार्ज साहब ने ये बात समझाया, जो कांवड़ यात्रा निकलने के लिए पहले सरकार ने कह दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, क्या कांवड़ यात्रा अब नहीं निकलेगी और क्या नाम है, जत्ते में जो कांवड़ जाते थे अब वो नहीं जाएंगे। बकरीद के बारे में ये समझाया उन्होंने, क्या अपने घर के अंदर ही करना है, जो कुछ भी करना है, वो ईदगाह पर नमाज़ नहीं होगी और मस्जिद के अंदर 5 व्यक्ति नमाज़ पढ़ेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के स्वरूप। जो धर्मगुरु आए थे उन लोगों ने भी कोई राय दी अपनी आने वाले गांव के त्यौहार? हाँ, वो चौकी इंचार्ज साहब की बात उन्होंने मानी है और सब उनकी बात पर एग्री होकर यहाँ से गए हैं। तुम क्या अपील करना चाहोगे अपने माध्यम? हम भी ये अपील करने जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, जो सरकार के नियम हैं, उसके जो गाइडलाइंस है उन्हीं को देखते हुए हर व्यक्ति काम करे। आज चौकीकरण रूप पे समस्त ग्रामवासी और आसपास जितने भी मेरे सम्मान व्यक्ति थे सभी प्रधानों को बुलाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शासन के नियमों से अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार से कोई कांवड़ यात्रा, कोई जत्था, भीड़ भाड़, कोई कांवड़ लेने नहीं जाएगा। तत्पश्चात 21 तारीख को जो ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार है, उस त्यौहार को लेकर किसी भी तरह से खुले में कोई कुर्बानी नहीं करेगा, किसी विवादित स्थान पर कोई कुर्बानी नहीं करेगा, ईदगाह में कोई नमाज नहीं होगी, 5 व्यक्ति जाएंगे और तभी से आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे। किसी भी तरह से अगर कहीं कोई विवाद है तो उस स्थान पर कुर्बानी नहीं करेंगे, सामूहिक कुर्बानी कोई नहीं होगी, सामूहिक नमाज कोई नहीं होगी। शासन के निर्देशों का जो पालन है वो करना पड़ेगा, नहीं तो इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है कि इंचार्ज साहब इसको लेकर के त्यौहारों को लेकर के? त्यौहारों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी प्रकार से कोई भीड़ भाड़, कोई जत्था, कोई सामूहिक रूप से आयोजन नहीं होगा। कितने धर्मों के लोग यहाँ पर चौकी में परिसर हैं आपके आए? ये मेरे क्षेत्र के हिंदू और मुस्लिम दो ही संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और दोनों ही लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और मेरी बातें सभी लोगों ने सुनी है और सभी इस बात से संतुष्ट हैं और अच्छी तरह सब लोग समझ गए हैं कि किसी भी तरह से कोई विवादस्य कार्य कोई नहीं करेगा। अच्छा इंचार्ज साहब, अगर कोई किसी तरीके का उत्पात मचाता त्योहारों को लेकर के या अफवाह फैलाता पाया जाता है, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इन अभियुक्तों के द्वारा? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संप्रदाय विशेष के बारे में कोई भी बात की जाती है, उपद्रव फैलाया जाता है, तत्काल उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत जेल भेजा जाए। इन लोगों को क्या आने वाले त्यौहारों के बारे में अवगत कराया है? जिस तरीके से ईद का त्यौहार भी करीब है और आने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के भी त्यौहार करीब है। मेरे पास मेरे चौकी क्षेत्र में 3 प्रधान जो हैं वो हिंदू समुदाय से आते हैं, 3 उपस्थित हैं, 3 को मैंने समझा दिया है कि किसी भी प्रकार से कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, यदि कोई जत्था जाता है, कोई विशेष परिस्थिति है तो ये लिख के देंगे, हम लोग किसी भी प्रकार से कोई जत्था यहाँ से नहीं निकलने देंगे। शासन का स्पष्ट आदेश है कि कोई जत्था निकले कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी और मुस्लिम समुदाय को समझा दिया कि कुर्बानी को लेकर विशेष सतर्कता बरतें, किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुँचे।